नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स नाउ फर्स्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि पिकसार्ट से आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप 5 सेकंड के अंदर आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। पिकसार्ट में इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग होती है, ये आप सभी को पता है और मुझे भी पता है। पिकसार्ट में सभी लोग एडिटिंग करते हैं, मगर दोस्तों दिक्कत यहाँ पर आती है। आप जब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, कट आउट करते हैं, तो तब दिक्कत आती है, मगर आप 1 क्लिक के अंदर यानी 5 सेकंड के अंदर आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों समय निकालते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे में आपको लाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पिकसार्ट, और पिकसार्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको अपडेट कर लेना है। आपके पास पुराना वर्जन होगा तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिकसार्ट को ओपन कर लिया है। अभी मुझे यहाँ पे गैलरी में जाना है, तो गैलरी से मैं कोई भी एक फ़ोटो को क्लिक कर लूँगा। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर ये फ़ोटो है, उसका बैकग्राउंड मुझे यहाँ पर रिमूव करना है, तो मैं 1 क्लिक के अंदर वो रिमूव करूँगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको फ़ोटो पर जाके यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूँगा, और सेट पे हमें क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पिकसार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो पिकसार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो पिकसार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिलेंगे, गोल्स टूल्स इफेक्ट्स ब्यूटी स्टिकर्स कटआउट टैक्स एनिमेशन फिट। तो हमें यहाँ पे कटआउट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो कटआउट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, और दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो भी पार्ट आपको यहाँ पे कटआउट करना है उसको यहाँ पे सिंपल ऐसा ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस प्रकार। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो पार्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, और जो पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है वो मैं यहाँ पर मैन्युअली उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ड्रो वाले बटन पे क्लिक करके वापस यहाँ पे ड्रो कर लेना है। जो आप देख सकते हैं मेरे गूगल से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो मेरा जो हेड है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, कुछ इस प्रकार। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर हेड सिलेक्ट हो चुका है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर मेरा जो हैंड है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों और क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव बटन पे और उसको क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका पार्ट कैसा सिलेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करते हो तो आपका जो पार्ट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका होगा बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार बैकग्राउंड था, उसको आपने यहाँ से कट करके कुछ इस प्रकार यहाँ पर हो गया, यानी 5 सेकंड के अंदर आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। और आपको यहाँ सेव बटन पर जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर लेना है फाइल को, और यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट पे जाके यहाँ से PNG फाइल में आपको यहाँ पे उसको सेव कर लेना है। आप स्टिकर में भी आप उसको सेव कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका फ़ोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा अपने गैलरी के अंदर। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको मैंने बतानी चाहिए। आपको कुछ इससे कुछ रिलेटेड सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए आता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट में वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।